क्या गांव है यार वो भाई, अमेजिंग भाई। ये देखो भाई साउथ कोरिया के विलेज, ओ माय गॉड, देखो कितना प्यारा। गाइस मेरे पीछे देख सकते हो, ये है गांव यार, साउथ कोरिया का गांव भाई। और BTS के लिए इस रास्ते से जाना पड़ेगा आपको। ये देखो भाई यार, BTS के मारे तो यार पूरी दुनिया ही पागल है। इधर देखो, ये है वो, ये देख सकते हो, ये है BTS। तो कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है भाई। मैं हूं सैम भूसान, तो बता के मैं भूसान आ गया। और आज जो हम देखने जा रहे हैं ना भाई, यहाँ का ब्लेज देखने जा रहे हैं कि भाई भूसान मतलब साउथ कोरिया के गांव कैसे होते हैं भाई। बहुत तारीफ सुन रखी है मैंने। और गाइज ये है इस समय भूसान यहाँ, और यहाँ का जो व्यू देख सकते हो इतना अमेजिंग, इतना जबरदस्त यार। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज देख लो भाई, ये समुद्र है और ये बीचेस, और इसका जब रात का नजारा होता है ना वो इतना अमेजिंग होता है दोस्तों, मैं आपको अपने शब्दों में बता नहीं सकता, बहुत ही अलग लेवल का होता है। बट अभी हम यहाँ से लगभग जो है 18-19 किलोमीटर दूर जा रहे हैं इनका ब्लेज देखने के लिए। रास्ते का व्यू देखेंगे, मजा आएगा दोस्तों। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज अभी हमें पैदल चलना है, क्योंकि हमें जो है यहाँ से बस पकड़नी आगे, तो लगभग जो हमें 500-600 मीटर आगे चलना है पैदल। और भाई यहाँ का जो व्यू है इतना जबरदस्त है, इतना कलरफुल है यार, आपको मजा आएगा यार। वाकई ये देखो भाई, ये क्रॉसिंग पे भाई मुझे इतने मजा आता है ना, अमेजिंग मतलब एक तरह से व्यू होता है यहाँ का। और सेम गोज टू जापान में भी भाई मजा आ रहा था यार, क्या बोलता हूँ मैं, जापान में ही मजा आ रहा था। और यहाँ पर देखो, ये तो आपको पता ही है, पानी का इन्होंने इतना अच्छा ख्याल रख रखा है कि छतरे लगे हुए हैं, साथ में पानी के फव्वारे हो रहे हैं। ये चीज मैंने सऊदी अरेबिया में भी देखी थी यार, मतलब गवर्नमेंट अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है यार, गजब। तो भाई फाइनली बस में आ चुके हैं। इनकी बस ऐसी होती है वन साइड, ये इस तरह की बस होती है, देख लो भाई। सो गाइस बस ने हमें यहाँ उतार दे, यहाँ से मात्र 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर का सफर है। लेकिन ये भाई इनके गांव ऐसे बने हुए हैं जिगजैग की तरह के बने हुए हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर एग्जैक्टली जो एजेड लोग होते हैं ना उनके लिए इस तरह की गाड़ी होती है, स्कूटर वगैरह होते हैं। तो यहाँ से भी हमें चलना आधा किलोमीटर ऊपर, और यहाँ फिर हम इनका ब्यूटीफुल गांव देखने वाले हैं भाई। ये कुछ इस तरह का व्यू है, आप देखो, ये इस तरह का व्यू आप देख सकते हो। सो गाइज अभी हम गांव में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ की सड़कें देखो यार कितनी प्यारी हैं, कितना सुकून है यार, देख रहे हो यार। तो यहाँ पर भी टाटा स्काई लगा हुआ है, इसका ही है, पता नहीं टाटा वाला किसका ही है। सो गाइज ये रास्ता देखो यार, और ये BTS लवर के लिए भी बहुत शानदार जगह है यार। मतलब मुझे तो यहाँ पर आके पता चला BTS एग्जैक्टली क्या है। दीवारें ऐसी मिलेंगी, ज़्यादा पेंटिंग हुई मिलेंगी। देखो ये देखिए भाई। तो दोस्तों फाइनली हम गांव में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, ये देखिए भाई, ये इसका बॉर्डर है, वो अभी चलते हैं गाँव। सो गाइज फाइनली मैं आपको वो व्यू दिखाने वाला हूँ जो आपने ज़िंदगी में नहीं दिखा होगा। क्या गांव है यार वो भाई, अमेजिंग भाई। ये देखो भाई साउथ कोरिया के विलेज, ओ माय गॉड, क्या व्हाट अ व्यू यार। ये भाई व्यू देखो यार, देखो कितना प्यारा। ये आप देखिए भाई, ये है वो विलेज, ये देखो भाई सुपर्ब यार, क्या शानदार व्यू है, अमेजिंग यार, देख रहे हो बिल्कुल। ये देखो भाई, ओ भाई यहाँ से आप व्यू देख सकते हो यार, बहुत ही अमेजिंग व्यू है ये। ये देखो भाई, ऐसा व्यू आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये देखो भाई कहाँ तक लोग गए हुए हैं यार, देखो वो चांद तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये देखो ऊपर चांद, ये देखो भाई। गाइस मेरे पीछे देख सकते हो, ये है गांव यार, साउथ कोरिया का गांव भाई। क्या गांव यार, क्या व्यू है, अमेजिंग यार, मतलब सोच भी नहीं सकता मैं इस तरह का विलेज। ये देखो भाई, ये है ब्लेस साउथ कोरिया का, इनक्रेडिबल दोस्तों, ऐसा विलेज नहीं देखा भाई। अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर से और दिखाऊंगा भी आपको कितना गांव, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा बना हुआ है यार। ये देखो यार, मतलब मन ही नहीं भर रहा देखते देखते। चलो आगे चलते हैं और गांव में भी चलने की कोशिश करेंगे। भाई यकीन मानो इतने खूबसूरत गांव मैंने आज तक नहीं देखे भाई, क्या कलरफुल लग रहे हैं। अभी तो ये बाहर की प्रेजेंटेशन है, नीचे हम जाएंगे, बट यहाँ से व्यू देखो यार कितना अमेजिंग है यार। ये देखो मतलब मन कर रहा है देखते जाओ, ये देखो भाई गजब यार, ये देखो भाई। चलो अंदर भी चलेंगे अभी भाई, इंफॉर्मेशन सेंटर कोई जानकारी लेनी हो तो। वैसे मैं बता दूँ थोड़ा सा, ये जो है ना एग्जैक्टली रिफ्यूजी लोग थे, और कैसे इन्होंने रिनोवेट किया अपने आप को, ये देखो भाई, ये देखो साउथ कोरिया अमेजिंग है यार, मतलब जितना भी देखो ना मन ही नहीं भर रहा। ये देखो भाई,
गजब। और अभी इनकी सड़कें देख लो आप, इनकी दीवारें देख लो, कोई भी चीज़ देख लो यार, इतनी अमेजिंग है ना। ये देखो यार, वो देखो अभी भी दीवार पर पुताई चल रही है इनकी यार। ये देखो भाई, ये देखो भाई, तो देखो इनकी दीवार पर पुताई हो रही है, पेंट वगैरह हो रहा है। ये देखो भाई कितना कलरफुल गांव है यार, इतना कलरफुल गांव आज तक मैंने नहीं देखा भाई। चलो नीचे चल रहे हैं अभी, मतलब जिधर भी आप नज़र दौड़ाओगे ना तो इसी तरह का व्यू आप देखोगे भाई। ये देखो, और ये पूरा जो आप देखोगे ना ये शहर एग्जैक्टली। और देखो इनके रास्ते, देखो यार रास्ते किस तरह के हैं, इनके अमेजिंग रास्ते हैं यार। ये देखो, ये आप देखो, यहाँ बीच बीच में कैफे लगा रखे हैं, दीवारें सब ऐसी देखो इस तरह की है। और अभी हम इधर से आए हैं, ओ भाई ये ना रास्ते जिग जैग के, देखो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, बट अभी हम जो है नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे और यहाँ घूमने वाले हैं। वो इस गांव को ना भाई बड़ी अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा एक तरह से दो तरह, एक तो ये पूरा दिखा रखा है कलर इस तरह का है, बाकी ये रिफ्यूजी लोग हैं। और उसके बाद साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने देखो किस तरीके से इनको जो है, मतलब बढ़िया तरीके से वो कर दिया है कि ये चीज़ आप देखो भाई। और यहाँ पर ना एग्जैक्टली BTS लवर के लिए भी एक वो एक पॉइंट था, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार दुनिया ना बहुत बड़ी है। जैसे मैं जब जापान गया था तो मुझे डोरेमोन के बारे में पता चला था, तो आई केम टू नो, मुझे पहले पता तो था डोरेमोन का, लेकिन उस लेवल से मुझे पता नहीं था। तो लोगों ने कहा डोरेमोन के ऊपर वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, बट नहीं बना पाता। तो जापान जाकर मुझे डोरेमोन का पता चला और यहाँ का मुझे BTS का बारे में पता चला था। तो BTS बहुत बड़ा नाम है बट मुझे पता नहीं है। तो वही चीज़ है कि यार दुनिया बहुत बड़ी है, हमने तो भाई बचपन में शक्तिमान देखा था। जी ना, देखो कितना छोटा सा यार, ये देख रहे हो कितना छोटा सा, एक ही बंदा जा सकता है। ये देखो भाई इस तरह का कर रखा है इन्होंने। और पता, बहुत सारे लोग जो एक पोस्टर आएगा उसको पोस्टर का एड्रेस भूल जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखना यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। और ये आ रहा है, ये रास्ता आ रहा है ऊपर से नीचे, और आगे जाकर के एक फ़ोटो मिलेगा BTS का, जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं। सड़कें साफ़ सुथरी, जी ने छोटे छोटे से जिग जैग बना रखा बिल्कुल एक तरीके से भाई। ये यहाँ के टॉयलेट हैं यार, ये देखो भाई, ये देखो इन्होंने गिटार बना रखा है, कितना बड़ा। और ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है यार, देखो कितना बड़ा गिटार है भाई ये। ये देखो भाई, ये देखो यार, और ये बढ़िया यार, इतना बड़ा गिटार यार मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। ये देखो भाई, ये क्या है यार, नाव से लग रही है, बट आई थिंक नाव से, लेकिन बट कलरफुल कितनी बना रखी है प्यारी सी यार। ये देखो, और जैसे मैंने कहा ना, यहाँ के लोग फिट मिलोगे, हर आदमी को फिट रहने का शौक़ है, फोटो खिंचवाने का शौक़ है भाई। ये अभी दिखाता हूँ आपको मैं, आप कंफ्यूज ना हो, जरा जरा से रास्ते बना रखे हैं। जैसे यहाँ पर गांव में जाओगे तो यहाँ पर हेल्थ सेंटर आ गया है, आगे लाइब्रेरी है, ये छोटे छोटे रास्ते दिखा रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं भी जाने में। ये देखो स्टेयर्स टू सी स्टार्स, ये देखो भाई ये रास्ता है। वो फोटो का कैसे शौक रहता है लोगों को, इतना लेवल का शौक भाई मैंने आज तक नहीं देखा। इस पर लिखा हुआ है एवरीबडी इज गोना लव टूडे एनी वे यू वॉन्ट टू गॉट ए, किसी ने वो लाइनें लिखी हुई हैं बहुत प्यारी, पोस्ट करके आप पढ़ सकते हो लाइनों को। ये देखो जो है द फ्लिप साइड, ये देखो भाई यहाँ पे आप कैफे कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो इस तरीके से। तो जीने देख रहा हो बिल्कुल जिग जैग से भरे हुए हैं। ये देखिए भाई दोस्तों, अभी हम इस रास्ते से गए थे नीचे, देखो जब इस रास्ते से आप आओगे ना, ये देखो पेंटिंग, और BTS के लिए इस रास्ते से जाना पड़ेगा आपको। हम नीचे गए थे बट इससे जाना पड़ेगा, वो इसलिए जो BTS लवर है ना उनकी डिमांड रहती है कि भाई जाओ आप, तो यहाँ से देखो गाँव रिलेट कर पाओगे आप पूरे जिग जैग वाले गाँव में। ये देखो भाई ये जगह जगह पर पॉइंट बना रखे हैं, यहाँ से आप पूरे गांव का एग्जैक्टली व्यू देख सकते हो यहाँ पर खड़े होकर के इस तरीके से। ओ भाई ये देखो ऐसे छोटे छोटे रास्ते बना रखे हैं इन्होंने, तो भाई इनके छोटे छोटे से आप जीने देख सकते हो। ओ भाई हम देखो कहाँ से आए थे, गलियों से होकर आए थे। ये देखो ओ भाई भाई अभी हम ऊपर आ चुके हैं, जैसे माल रोड होती है ना सेम इसी तरीके से आगे जाएंगे यार, बहुत ही खूबसूरत है यार। देखो यहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, मैं भी लूँगा भाई, बहुत थक गया। इतना रंग बिरंगा जो है विलेज है यहाँ का यार, दीवारें इनकी ऐसी मिलेंगी, सारी की सारी दीवारें पेंटिंग वाली मिलेंगी। ये देखो भाई, सो गाइस फाइनली हमें वो जगह मिल गई BTS वाली, हम भाई जा रहे हैं फोटो वोटो खिंचवाने के लिए। ये देखो भाई, ये देखिए, ये देखो भाई यार BTS के मारे तो यार पूरी दुनिया ही पागल है। ये देखो भाई, और भाई इधर देखो, ये है वो जिमिन। ये देखो भाई, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है बट आपकी मैंने मांग पूरी कर दी। ये देख सकते हो, ये है BTS जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है भाई, गजब यार। ये देखो
भाई मुझे कमेंट में बताना कि आखिर ये मतलब कॉन्सेप्ट क्या है BTS वाला पूरा। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है यार, लेकिन यार क्रेजी यार। और लड़कियाँ तो भाई जैसे इंडिया में सलमान खान है ना, सेम इसी तरीके से भाई क्रेज है लड़कियों का इनके लिए। ये देखो भाई, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे और घूमने चल रहे हैं अभी आगे। सो अभी और आगे चल रहे हैं। ये देखो भाई, यहाँ से एक अलग लेवल का व्यू आता है। ये देखो भाई, भाई ये जो लाइन देख रहे हो ना, सिर्फ फोटो खींचने के लिए लाइन लग रही है। ये देखो, यहाँ से जाओगे और फोटो खिंचाओगे। यहाँ पे आई थिंक कोई है इसके साथ फोटो खींच रहा है। ये देखो, वो भी बैक साइड से यार। देख रहे हो भीड़, देख रहे हो यार अलग अलग लेवल की यार। अब कुछ तो क्रेज होगा, कुछ तो बड़ी पर्सनैलिटी होगी, ये पता नहीं। यहाँ से व्यू देखो यार, कितना अमेजिंग व्यू यार। ये देखो भाई, अलग ही लेवल का व्यू है यार। ये देखो यार, सामने समुंदर देखो। तो गाइस अभी हम आए लास्ट छोर पे। ये पूरे विलेज का लास्ट छोर है और यहाँ पे समुंदर है। और ये देखो भाई, ये देखो भाई, तो मैं बिल्कुल लास्ट छोर पे आ चुका हूँ। और यहाँ से आप राउंड होकर के फिर वहीं वापस पहुँच जाओगे। तो ये एग्जैक्टली एक तरह से वैली बना हुआ है। और सड़कें तो कितनी साफ साफ है, सब कुछ यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ईजिली। इधर पर जो है देखो, पूरा ऐसी के ऐसी। ये देखो,